रांची सब बोर हो चुके, बिल्कुल भी मन नहीं लगता रांची में। कोई नया प्लेस खोजो यार, कोई न्यू एक्सप्लोर करो जल्दी से जल्दी। ये देखो वहाँ पे मछली है, अच्छे से नेट पे फंसा के उसके बाद भूंज के साइड में इधर पका के खा लो। ओ भाई मीम्स बन जाएगा। What is up freaking beautiful people? It's Ashmita here and welcome back to my YouTube channel. So guys, मैं रांची से काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ। So आज हम निकल पड़े हैं अरमान जी के तरफ एंड अब हम पहुँच चुके हैं आनंदी गाँव एंड आई थिंक ये वाली विलेज जहाँ मैं इस वक्त खड़ी हूँ ये है हटवाल विलेज। एंड रास्ते में आपको शूट करके दिखा दूँगी सारी किस तरह से आना है आपको यहाँ पे एंड या वीडियो के एंड तक बने रहिएगा एंड इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब डेट मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्ट्रेट इन टू दिस वीडियो। ऑल राइट गाइज, हम जिस लोकेशन पे जाना चाह रहे थे वहाँ पे पानी भरा हुआ था। आई थिंक इतने दूर तक पानी का लेवल था तो वहाँ से हम क्रॉस नहीं कर पाए, गाड़ी लेकर जा नहीं सकते थे वहाँ आगे और वॉक करते हुए जाते तो ज़्यादा वो डिस्टेंस पे था। सो अब हम पहुँच चुके पता नहीं कौन से जगह पे जहाँ पे पहुँच गए हैं आई थिंक पांचा डैम। हाँ यहाँ हम पहुँच चुके हैं एंड ये जो है ये रेलिंग ये बहुत सही सा लग रहा है। सो यहाँ पे पहले वीडियो शूट्स कर लेते हैं, ऑब्वियसली डांस वीडियो शूट करेंगे। सो कीप ट्यून इन। गाइज डन विथ टू रील्स वीडियो एंड बाकी के और चार से पांच वीडियोस बचे हुए वो पहले शूट कर लेते हैं जल्द से जल्द बिकॉज लाइटिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी कुछ ही टाइम में क्योंकि पांच ऑलरेडी बच गए हैं एंड या कीप ट्यून इन। ज़्यादा 15-20 मिनट बचा है, लाइटिंग है इस वजह से जल्दी जल्दी शूट कर लेते हैं। लेट्स सी द रिजल्ट।
काफ़ी सारी रील्स वीडियो शूट कर ली हैं यहाँ पे, एंड टाइम हो चला है कितना है ऑन जा 5:23 जो कि 5:30 होने वाला है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल सी इधर सीन है। जस्ट लुक एट दिस, इस तरफ ये डैम है जो कि पांचा डैम, आई थिंक पांचा इस विलेज का नाम है। एंड इस तरफ भी आप देख सकते हैं इधर लोकल्स ने खेती कर रखा है, सो काफ़ी ग्रीनरी वाली वाइब से इधर अच्छा लग रहा है। इतने बड़े साइज का है, कैमरा पे तो नहीं दिखेगा, जूम लेंस रहता ना पूरा अच्छे से एकदम जूम करके दिखा सकते हैं। मस्त मछली है, मस्त। अरे और एक है, और एक है उसके आगे तरफ जा रहा है, छोटा सा है वो साइज में, मस्त लग रहा है। ये काश उसको खाना दे पाते फिर उसको अच्छे से नेट पे फंसा के उसके बाद भूंज के साइड में इधर पका के खा लेते, मस्त लग रहा है। कितना बड़ा सा है, एक आध दो केजी का होगा। पता है 15-20 साल के बाद चला रहे कितना कुमानी लग रहा है। ओ भाई नाना के जमाने का साइकिल है। ओ भाई मीम्स बन जाएगा। अरे बहुत जमाना के बाद चला है, सही बता रहे 10-15 साल के बाद। यहाँ से सीधा नीचे डैम में पानी में। Bell so that you get notified every single time I post something new. See you guys in the next vlog. Peace.